तो वीवीएम मैक्रो प्रोग्रामिंग की क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ इफ कंडीशंस। इफ कंडीशंस कैसे लगाते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, मुझे बस एक करना है कि जो ग्रेटर देन 50 है उस पर 500 का इंसेंटिव लॉन्च करना है किसमें, बी कॉलम। हालांकि इसको हम बीवीए एक्सेल से बड़ी इजीली कर लेंगे, बट हम बीवीए पढ़ रहे हैं इसलिए एक बार हम बीवीए के थ्रू आपके सामने करके दिखाते हैं। तो विजुअल बेसिक मैंने खोल लिया और ड्यूअल स्क्रीन कर लिया ताकि आप दोनों आपको दिखता रहे। इंसर्ट मॉड्यूल। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सिंगल कंडीशन और सिंगल रिजल्ट, राइट सर। सबसे पहले एक मैक्रो क्रिएट करेंगे और यहाँ पे इफ अंडरस्कोर वन करके मैक्रो ओपन क्लोज कर देता हूं। अब यहां पे हम करेंगे कि इफ रेंज ए टू डॉट वैल्यू, ए टू की वैल्यू ग्रेटर देन 50 है देन रेंज बी टू डॉट इक्वल टू 500। तो हमने क्या लगाया कोड, हमने लगाया कि इफ रेंज ए टू डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 देन रेंज बी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू 500। अब यहां पे क्या है कि सिंगल कंडीशन है और सिंगल रिजल्ट है, इसलिए हमने ऐसा लगाया। पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इसको रन करता हूं तो सिर्फ बी टू के अंदर ही आएगा, बाकी में नहीं आएगा। तो बाकी में करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक है कि हम इसको कॉपी करके पेस्ट करें और 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते चले जाए क्या, या दूसरा है कि इसको हम लूप में डालें। तो लूप वाला बेटर है। तो हमने लिखा 4i इक्वल चले 2 से कहां तक, 10 तक, ठीक है। अब दो से क्यों किए, क्योंकि रो नंबर 2 यहां से शुरू हो रहा है ना। तो हालांकि हम 1 से भी कर सकते हैं, 0 से भी कर सकते हैं, फिलहाल यार रो है तो रो के अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे हैं। फिर यहां पे करते हैं नेक्स्ट आई, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि रन करेंगे तो 10 बार जो है वो 500 ए बी टू के ऊपर ही लिख देगा, चेंज नहीं हो रहा है। तो आई क्या है, आई एक काउंटर है, एक काउंट रखता है कि कितना हुआ। जैसे कि आप अगर आप स्टेप इन्फो करें, एफ एड इसका शॉर्टकट होता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ आई इक्वल टू 2 हुआ। तो क्यों ना हम यहाँ ए के साथ आई को कंबाइन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए और आई का क्या हो जाएगा, 2। दोनों मिलकर क्या हो जाएगा सर, ए 2 हो जाएगा। हाँ बराबर। सेम यहीं पे भी हम बी के साथ आई को कंबाइन कर देते हैं, यहां भी बी 2 हो जाएगा। ओके। अब मैं इसको एफर्ट करता हूं तो दे दिया। फिर नेक्स्ट में क्या हो गया, बी 3 हो गया, ए 3 हो गया, आई 3 हो गया। तो ए और 3, ए 3 बी और 3 बी 3। बी 3 में रिजल्ट नहीं था इसने नहीं डाला। फिर इसने बी 4 बी 5 बी 6 बी 7 बी 8 बी 9 खत्म हो गया, 10 आंसर पे आ गया। तो लूप क्यों यूज किया, समझ में आ गया। हाँ सर जी। अब मान लीजिए कि मेरे पास मल्टीपल आंसर है, कि मैं चाहता हूं कि जो लेस देन 50 है उसको यहां देना है 100, ठीक है। उस केस में हम इफ ऐसे नहीं लगाएंगे, हम यहां इफ को देन के बाद तोड़ेंगे, ठीक है। ओके। और फिर यहां लगेगा एल्स, ठीक है सर। और एल्स में यहां हम देंगे 100 और फिर एंड इफ लगाना पड़ेगा। ओके समझे। यस सर जी। हमने एंड इफ लगाया, क्लियर है। अगर सिंगल रिजल्ट और सिंगल कंडीशन है तो आप सिंपल से एक लाइन में लिख दें, बट आपके पास मल्टीपल रिजल्ट से एल्स लगा दिया। एल्स, एल्स कब यूज होता है, जब कंडीशन फॉल्स ना हो। ओके। हाँ ट्रू ना हो, फॉल्स हो। हाँ मतलब कि क्या होगा, कि देखिए क्या होगा, लूप से मतलब नहीं इसका सर,
लूप से इसको कोई लेना देना नहीं है। बराबर है। देखिए इफेक्ट किया हमने, देखिए यहाँ पे ए आ गया वैल्यू है तो 500 आ गया यहाँ पे, फिर नेक्स्ट आई किया तो दोबारा चला। अब इस बार क्या है, ए 3 है, अब ए 3 में क्या है 36 है, 36 होने का कारण अभी इस लाइन को नहीं रन करेगा, एल्स पे आ गया। एल्स क्या करेगा, इसको वन। हाँ ठीक है, यस सर जी, क्लियर सर? यस सर जी। तो ये हमारा इफ का इस तरह से यूज करते हैं। इफ में आ गया आपको, यस सर जी। इफ की दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, मान लीजिए इस बार मुझे कंडीशन जो है एक ही है पर रिजल्ट मल्टीपल है, समझे? मतलब मुझे क्या करना है कि जब मुझे करना है कि अगर आपका ग्रेटर देन 50 हो तो 500 दे, और साथ में ए जिसकी जिसके जिसके सामने वैल्यू दे रहा है उसको कलर भी कर दे, समझे? तो सिंगल रिजल्ट और सिंगल कंडीशन हो तो हम एक लाइन में लिखेंगे, बट सिंगल रिजल्ट हो पर मल्टीपल कंडीशंस हो तो दो लाइन में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हुआ। मल्टीपल कंडीशंस मल्टीपल रिजल्ट हो या एक कंडीशन मल्टीपल रिजल्ट हो, जैसे यहाँ पर है तो यहां हम तोड़ेंगे और लिखेंगे रेंज ए के साथ आई को कंबाइन किया डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू रेड ग्रीन ब्लू या जो भी कलर मेथड समझाया था। लेकिन ध्यान रखिएगा एक चीज, जैसे एंड से एंटर मार के आपने नीचे कुछ लिखा तो लास्ट में आपको एंड इफ देना होगा, ओके, या एल्स हो या ना हो। तो यहां हमने एल्स का यूज किया, यहां हमारा बिना एल्स का है, तो एल्स नेसेसरी नहीं है, एल्स जो है नेसेसरी नहीं है। ओके ठीक है, ओके सर जी, क्लियर है? हाँ सर जी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर जी। तो अब बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया आपको, इस तरह से आप इफ का यूज करेंगे कुछ भी देने के लिए, ओके, और लूप का यूज को करेंगे इसी कंडीशन को आपको कई जगहों पे करना है तो, ठीक है, क्लियर है? यस सर जी। अब बात करते हैं कि मल्टीपल कंडीशन हुआ तो, जैसे मुझे 50 to 80 के बीच की जो वैल्यू है उसको 500 देना है, ठीक है, तो लूप तो वही रहेगा, कंडीशन यहां पे बदलेगी। तो कंडीशन में यहां लिखेंगे हम, देखिएगा ध्यान से, इफ रेंज ए के साथ आई को कंबाइन किया हमने डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50, ठीक है, तो फिर यहां पे एन लगेगा। अच्छा। और सेम चीज यहां पे जो हम देंगे और इसमें इस पार करेंगे लेस देन 80, ठीक है, लेस देन 80 और रेंज बी बी एंड आई एंड आई डॉट वैल्यू इक्वल टू 100, एल्स देना, एल्स दीजिए, एल्स नहीं तो एंड इफ, ओके, ठीक है। और एंड का यूज दो ही नहीं होगा, ऐसे 3, 4, 5, 6 भी हो सकता है, ओके सर जी। यहां तो कंडीशन रिक्वायर्ड थी इसलिए एंड दिया, और कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं होगी तो क्या देंगे सर? मतलब से मान लीजिए कि मुझे देखना है कि सैटरडे संडे हो तो वीकेंड देना, अगर सैटरडे और संडे हो तो वीकेंड देना है, तो वीकेंड देना है, तो क्या करेंगे, जैसे रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू सैटरडे संडे,
सैटरडे होगा फिर एंड लगेगा फिर रेन एंड नहीं लगेगा सर और एंड होगा तो फिर दोनों होने चाहिए ना सर अच्छा अच्छा हाँ फिर और हो जाएगा करेक्ट तो और लगा इसका मतलब है या कि दोनों में से कोई एक एक हाँ बराबर मैं करके दिखाता हूँ सर यहाँ पे इन शीट में हमने यहाँ पे सैटरडे संडे ले लिया ठीक है और इसी यहाँ पे हम नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे हम सब्जेक्ट इफ अंडरस्कोर थ्री यहां करेंगे फोर आई इक्वल टू चले 1 to 60 ठीक है क्योंकि इसमें हेडिंग नहीं है ना इसलिए हमने 1 से और यहां होगा इफ रेंज ए के साथ आई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू अब ध्यान रखिएगा कि के सेंसिटिव होता है छोटे बड़े का फर्क होता है ठीक है तो उसी हिसाब से दीजिए या फिर अपर में कन्वर्ट कर दीजिएगा दोनों को और ए डॉट वैल्यू वैल्यूएशन लग गया वैल्यू इक्वल टू सम ठीक है उसके बाद इसके सामने हम रिजल्ट देते हैं रेंज बी के साथ आई लग गया डॉट वैल्यू इक्वल टू वीक एल्स देना है एल्स और सेम रिजल्ट होगा बस वीक डे हो जाएगा इसमें और फिर आते हैं ठीक है और फिर क्या करेंगे नेक्स्ट आइटम है एक कोड सारा मैं आपको भेज देता हूं आप इसको एक बार ट्राई कीजिए सर जी इसको अगर डायनेमिक करना होगा तो क्या जो डायनेमिक है इसमें दिक्कत क्या है डायनेमिक है पूरा पूरा नहीं सर जी अगर अभी देखिए 17 में अपन ने उधर दिया है ना वर्ड इसकी बात कर रहे हैं ना सत्रह सोलह उसकी बात कर रहे हैं ना हाँ ये हो जाएगा इसके लिए आपको यहाँ पे याद होगा मैंने रेंज का मेथड बताया था ए 65,000 डॉट एंड क्या करेंगे याद है सर भूल गए चलो हाँ समझे हाँ रो क्या करेगा रो नंबर निकालेगा तो क्या करेगा ये ए 65,000 पे जाएगा तो यहां से कंट्रोल के साथ अप एरो यूज करके ऊपर आएगा इसकी जो रो होगा वो रो दे देगा किसको फोर ठीक है सर रन करके बताओ एक बार ओके रन करके बताओ तो यहाँ पे नाम एक नाम के दो माइक्रो नहीं होने चाहिए सब टूई के नाम से बना दिया मैंने सिर्फ ये वाला रन किया रहता ना ये फिट से ठीक है अच्छा अच्छा मैं बढ़ा देता हूँ ठीक है ओके हाँ सर जी और कुछ क्वेश्चन है नहीं सर थैंक यू सर इसकी यूज जो है अपने हिसाब से कीजिए और कल हम लू इफ पे हम कल इफ को कंटिन्यू नहीं करेंगे इफ ऐसे 3 से 4 दिन क्लास आपकी इफ की है बट कल इफ को कंटिन्यू नहीं करेंगे कल हम कंटिन्यू करेंगे वेरिएबल्स को क्योंकि अभी आपने इफ में देखा है कि मैंने यहाँ पे मैंने कैसा कॉम्प्लिकेटेड लिया है मान लो 3 गो 4 गो 5 गो या 6 से ऊपर कंडीशन हुआ दिक्कत हो जाएगी ना सर तो इसको वेरिएबल्स में डाल के कैसे इजिली कंडीशन लगाए ये हम कल सिखाएंगे आपको